उन्होंने आज्ञा दिया, अनुमति दी, आदेश होने लगा कि ये कार्य ऐसे होना चाहिए। मंगल शनिवार दरबार लगता है, ये प्रभु बता देते हैं कि ये है, तो इतना लिख दिया गया आपको सूक्ष्म रूप में दे दिया गया पर्चा। उसके बाद आपसे पूछा, उसके बाद आपसे समस्या, आप बताइए अपनी समस्या। तो कितने भक्तों ने यहाँ पे आकर के उनके कष्ट दूर हुए? प्रति दरबार 2500-3000 भक्त आ जाते हैं। तो आते हैं लोग, जब उनको पर्ची में बता दिया जाता है और हमें दर्शन करना रहता है, हम केवल इतना कहते हैं प्रभु दर्शन करना, हम दर्शन मिल जाता है। हनुमान जी आपको साक्षात रूप में दर्शन दिए? हाँ, दिखे थे कि संपूर्ण रूप था उनका। लेकिन आप आइए, प्रभु का दर्शन कीजिए, विनती कीजिए, हाथ में नारियल चुनरी रख के, जो आपकी मनोकामना हो, विनती हो, जो कष्ट हो, प्रभु कृपा होने के बाद ये हुआ कि माता पिता के अगर मोह में हम लग गए, पड़ गए, तो ये जग कल्याण हमसे नहीं हो पाएगी, हम जानते हैं। बागेश्वर धाम सरकार से मिले? हाँ, बागेश्वर धाम सरकार से भी हम मिल चुके हैं। आप विवाह करेंगे? हम तो जीवन भर नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। श्री हनुमान जी का पूजन हम 10 साल या 11 के थे तब से कर रहे हैं। मतलब भक्ति भाव कुछ नहीं है जी, सिर्फ एक छोटी सी कला होती है जिसको माइंड रीडिंग कहते हैं जी। देखिए, माइंड रीडर जो होते हैं वो इतनी जल्दी इतना अध्ययन तो कर नहीं सकते कि हम माइंड रीडिंग करने, अगर करना भी होता तो हम ये वेशभूषा तो धारण ना करते। हमें देखे कोई शौक नहीं चढ़ा इसको करने का कि हम आके यहाँ दरबार लगाएं। ये प्रभु कृपा, प्रभु प्रेरणा थी, आभा उनकी कृपा आदेश था। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किया? शिक्षा हमारी ग्रेजुएट हो रहा था। कि अगर आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और बागेश्वर धाम सरकार वाले धीरेन्द्र शास्त्री तो आपने अच्छी तरह देखे और सुने ही होंगे। पंडोखर धाम सरकार भी उसी की तरह काम करते हैं, वो है पंडित गुरु शरण शर्मा। और उन्हीं की तरह तमाम लोग हैं जो मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में इस तरह का दरबार लगाते हैं और वो लोगों की समस्याएं सुनते और बताते हैं। आज हम जिस जगह उपस्थित हैं वो लगभग उन्हीं की तरह लोगों की समस्याओं को पर्ची पर लिख करके बताते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, आपने देखा होगा कि वो पर्ची पर लोगों की समस्याएं लिखते हैं, एक बड़ा सा दरबार होता है उनका और वहां पर वो लोगों की समस्याएं बताते हैं। लेकिन आज जिस जगह हम उपस्थित हैं ये मध्य प्रदेश नहीं है और मध्य प्रदेश से काफी दूर, मध्य प्रदेश से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है कुंडा, वहाँ आज हम उपस्थित हैं। और वहाँ पर उसी तरह से जैसे पंडोखर धाम सरकार या बागेश्वर धाम सरकार काम करती है, उसी तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। श्री हनुमत धाम इस जगह का नाम है और हनुमत धाम में हमारे साथ महाराज जी उपस्थित हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो सीताराम, सीताराम आयु में काफ़ी छोटे दिख रहे हैं जी। क्या शुभ नाम है आपका? राम हर्षा। राम हर्षा जी, राम हर्षा और राम हर्षल क्या? राम हर्षा, राम हर्षा जी, जी। क्योंकि हमने काफी लोगों से सुना, कोई राम हर्षल कह रहा था, कोई राम हर्षा कह रहा था, तो हमने कहा सबसे पहले यही कंफ्यूजन दूर किया जाए। किसी किसी को पता नहीं है अभी तो उसका जी। तो महाराज जी, कैसे ये सब ज्ञान प्राप्त होता है? देखिए, अध्यात्म एक बहुत विस्तृत और विहद जो वृहद जो है क्षेत्र है और जहाँ पर कह सकते हैं कि एक अथाह सागर है और जिसमें डुबकी लगाना और उसके ज्ञान को खोज कर लाना ये बड़ा मुश्किल काम है जी। तो कैसे आप ये ज्ञान आपको प्राप्त हुआ और अध्यात्म की तरफ मुड़ाव कैसे हुआ आपका? जी, ये प्रभु की कृपा से हुआ है, श्री हनुमान जी की कृपा हुई। पहले भी हम संस्कृत विद्यालय में थे तो वहीं से हमें रुचि भी थी इस कार्य में कि हम प्रभु के ज्ञान में जाएं, अध्यात्म में जाएं, जितना हो सके उतना हमें ज्ञान मिले। अध्यात्म में हम जो चाहें वो पढ़ सके, वेद पुराण ग्रंथ है, सभी का ज्ञान हो जाए। तो देखिए, आप सागर को जिस प्रकार होता है कि सागर को आप कटोरे में नहीं भर सकते, लेकिन कटोरा सागर में आ जाता, तो उसी प्रकार भक्ति को आप अपने अंदर नहीं, आप भक्ति में जा सकते हैं तो भक्ति आप में समाहित होगी। ऐसा नहीं नहीं होगी, लेकिन आप ये कहिए जितना, जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ा सा बृहद है, तो सत्य है कि बृहद है, जितना आप खोजेंगे उतना मिलेगा जी। तो उसी प्रकार प्रभु की कृपा हुई, हम बाहर थे संस्कृत विद्यालय में, वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि बंद हो गया विद्यालय, उसके बाद हम यहाँ गृह पे अपने चले आए, उसके बाद यहीं से हमारा पूजन साधना चलता था, उसका विद्यालय में नाम लिखा, वहाँ जाते थे, पढ़ते थे, आते जाते, जैसे साधारण रूप से सभी आते जाते, हम भी पढ़ते थे। उसके बाद यहाँ आए, श्री हनुमान जी का पूजन और हम 10 साल या 11 के थे तब से कर रहे हैं। अच्छा, तभी से, तो तब से, उसके बाद फिर प्रभु की कृपा प्राप्त हुई तो उसके बाद आभास होने लगा, उन्होंने आज्ञा दिया, अनुमति दी, आदेश होने लगा कि ये कार्य ऐसे होना चाहिए, जग का कल्याण होगा,
तो ये कार्य करो, दरबार लगेगा, धाम की स्थापना होगी, तो उसी प्रकार से कार्य हो रहा है। लगभग कितनी आयु में आपको ये आभास हुआ कि आपको ये कार्य करना चाहिए? 18 साल के बाद, 18 साल में हम जब गए, प्रवेश हुए, तब 18 साल में हुआ था आभास। और तब उसके बाद 2 साल के बाद प्रभु की कृपा तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन आभास होने की बात होती कि आभास हुआ आपको क्यों नहीं हुआ, तो आभास हमें 18 साल में हुआ था। उनकी कृपा दिखने, साक्षात दिखने लगी कि कृपा प्रभु की है, प्रभु साथ हैं। उन्होंने कहा, आदेश दिया कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप करिए। तो ऐसे देखिए, कोई अचानक अगर बोलेगा तो आपको भी अचंभक होगा, क्या है क्या नहीं। तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ पहले, क्योंकि पूजा पाठ सभी करते हैं साधारण, हम भी उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हमें ज्ञान है। तो फिर उसके बाद फिर हम कई जगह गए, कई जो ज्ञानी हैं हमसे श्रेष्ठ, तो पहले से सभी श्रेष्ठ ही हैं, तो वहाँ गए, तो वहाँ कई लोग फिर बताए, सभी लोग जो जो थे महापुरुष, तो संत महात्मा सभी बताए कि श्री हनुमान जी हैं, श्री हनुमान जी की कृपा है, जैसा वो बोल रहे हैं, जैसा आदेश कर रहे हैं, आप उसी रास्ते पे चलिए। बागेश्वर धाम सरकार से मिले? हाँ, बागेश्वर धाम सरकार से भी हम मिल चुके हैं। उनसे डेट तो नहीं याद, शायद नवंबर में शायद हम गए थे या दिसंबर में, ऐसे था शायद, नवंबर में था शायद, तो एक नवंबर को गए थे। तो वहाँ गए थे तो एक, मतलब मूल रूप से तो नहीं मिले, लेकिन मिले हैं, शायद उनको हम याद हो, चेहरा देख लें तो उनको याद आ जाएगा, याद हैं, उनके पास हम गए थे। तो उनसे वैसे मूल रूप से तो नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन हुई थी, वो मिले थे, दरबार में भी मिले थे। और उन बालाजी सरकार का तो हम दर्शन करने गए थे ही मुख्य रूप से, कि दर्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे मन में ये था, हम दर्शन जहाँ होता था हम चले जाते थे, प्रभु कृपा से दर्शन हमें नियुक्त नहीं रहता था, जाते थे, दर्शन हो जाता था चाहे जहाँ हो। कई धाम गए, कई दर्शन किए, आई यहाँ दरबार प्रारंभ होने से पहले माता जी का भी हुआ, प्रभु का हुआ, बालाजी सर का मेहंदीपुर में जो है उनका भी दर्शन हो चुका है। तो मतलब अच्छे से होता था कि प्रभु नियुक्ति करते थे दर्शन के लिए, वो स्वयं बुलाते थे। अच्छा, जैसा कि आपने आपने अभी जैसा कहा कि प्रभु बुलाते हैं, जी जी, तो हमारी इच्छा होती है कई बार कि हम फला दरबार में जाएं या फला मंदिर में जाएं और वहां पर ईश्वर हमें प्राप्त होंगे, उनके दर्शन होंगे। और कई बार लोग कहते हैं कि बुलावा नहीं आया, तो असल में क्या होता क्या है? देखिए, बुलावा की बात नहीं होती, ये किस्मत होती है, भाग्य होता है। अब कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, ये भाग्य होता है कि आपको दर्शन हुआ या नहीं हुआ, ये तो प्रभु कृपा के ऊपर है। अगर आप उनसे जुड़े हैं, प्रेम रूप मन से जुड़े हैं, आप उनके प्रति प्रेम है, अगर आपके मुख से निकल जाए कि हमें दर्शन करना है, तो वो अपने आप वहाँ नियुक्ति कर देंगे, आपको वो पहुँचा देंगे। हमें दर्शन करना रहता है, हम केवल इतना कहते हैं प्रभु दर्शन करना, तो इतना कहते हैं कि हम करेंगे जो करना, उसके बाद 2-3 दिन बाद हम दर्शन मिल जाता है, हम जाते हैं, दर्शन हो जाता है, हम चले। अच्छा, जब आप ये जो करते हैं, दरबार लगाते हैं, तो लोगों की समस्या आपको पता कैसे चलती है? जी, ये प्रभु कृपा से है, कि प्रभु कृपा है मन में, जो समक्ष आते हैं हमारे दरबार में भक्तगण, वो जैसे आके यहाँ विराजमान होते हैं, तो मन में विचार आ जाता है कि इनके मन की समस्या ये है। बहुत ज्यादा तो हम नहीं विस्तार में कहेंगे, लेकिन जैसे कोई आपके सामने आया, जी जी, मैं आया आपके जी, सामने जी, जी, तो मेरे मन में क्या है? हाँ, मेरी आभास प्रेरणा हो जाती है प्रभु कृपा से, कि जो आभास हमें हो रहा है मन में। अब ये तो नहीं कहेंगे हम बहुत ज्यादा, ये नहीं नाम पता गांव या कोई बहुत विस्तार में, ये नहीं, सूक्ष्म में हमें पता भी चलता है, हो सकता है आने वाले समय में विस्तार आपका पता चलने लगे तो हम विस्तार में बताएंगे, जो हमें पता चलता है, जो आभास हो जाता है हम वो बता देते हैं। आप ये कहिए कि हम जाएं तो सभी मूल रूप से हमें पता चल जाए कि एकदम अंदर से अंदर की चीज़ें, तो वो आप बताएंगे तो उसके लिए हम बता सकते हैं, ये कि हम स्वयं से पहले बता दें तो ये नहीं, लेकिन जो आभास होता है कि क्या समस्या है, किस लिए आप आए हैं, ये पता चल जाता है। आप उसे उसके बाद पर्ची पर लिख देते हैं? पर्चे पे लिख देते हैं, जो आभास हो जाता है वो। पर्ची पर लिखने की परंपरा क्या है? पर्ची पे लिखने की परंपरा होती है कि देखिए, लोगों को हम अभी मुख से बता दें कि हम, देखिए, पर्चा बनाते हैं, नहीं भी बनाते, दोनों कार्य करते हैं। अगर जरूरत नहीं दिखती हमें तो हम पर्चा नहीं बनाएंगे, अगर जरूरत दिखती है तभी, क्योंकि कई दरबार हम पर्चा बंद कर देते थे कि ऐसे, तो लोगों को पर्चे पे ज्यादा विश्वास रहता है कि लिखनी है, खुद लिख रहे हैं, लिख के दे दे रहे हैं, वो पढ़ ले रहे हैं, उनसे उनको ये लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद है, प्रसाद हमें मिल रहा है, तो पे उनको ज्यादा विश्वास होता है। हमने कई बार देखा कि जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, वो जब दरबार लगाते हैं, वो अपने दरबार में पर्चा बनाते हैं, तो कई लोगों को
वहाँ पर जाने में अपना इंसल्ट फील होता है, बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर वो जो करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों के सामने बताते हैं चीज़ों को, तो वो औरों के लिए हिसाब से, उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से भी वो सही नहीं रहता। देखिए, हमने इसके पहले हमारा जो इंटरव्यू, उसमें भी हमने कहा था कि देखिए ये गलत था, लेकिन देखिए वो जो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं वो करें, जो चाहे स्टेज पे बोल रहे हों, माइक में चाहे जहाँ बोल रहे हों, बोलें। अब उनकी वो उच्च स्तर की जो कार्य कर रहे हैं श्रेष्ठ है, उनका भी कार्य श्रेष्ठ है। वो जिस प्रकार सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, उच्च स्तर पे ले जाना चाहते हैं, वो श्रेष्ठता है, कोई कर नहीं सकता, अच्छी बात है। ये है कि जो आप कह रहे हैं, जिस प्रकार ये थोड़ा हाँ गलत लगता है कि आप किसी का ना दिखाइए, आप अपने तक रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, उनके हो सकता है उनके स्तर से वो सही है तो वो अपना करते हैं, और जो हमारा है हम करते हैं, तो किसी के लिए हम ये नहीं है भाई, महाराज जी हैं वो भी श्रेष्ठ हैं अपने लिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी वो भी श्रेष्ठ हैं अपने लिए, तो महाराज जी के लिए कोई वो नहीं है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप कैसे करते हैं इस काम को? तो वही बता तो रहे हैं कि हम, देख लीजिए आप, पैक है पूरा, ये पैकिंग हम कराए कि इसमें कोई जो आता है हमारे तक सीमा रहे उसकी, और जो भक्त आ रहा है जिसकी जो समस्या है उसके तक रहे, और किसी बाहरी तक ना जाए, तो इसीलिए हम, इसीलिए आप ये अंदर, ये आपने अंदर, जो दरबार अंदर बनाया हुआ है, अगर हम चाह लें तो बाहर भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि बाहर नहीं लगा, खुले में दरबार लग सकता है, लेकिन जरूरत क्या है खुले में लगाने की? लोग कहते हैं वीडियो दिखाइए या ये, वीडियो देख के आप करेंगे क्या? मान लीजिए कोई आ रहा है गुप्त रूप से आ रहा है, कोई बहुत गंभीर समस्या या उसके, वो चाहता है कि हमारे तक ही रहे, तो वो दूसरों को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि कई समस्याएं रहती हैं लोगों की अलग अलग तरीके से, तो वो चाहता है कि गुप्त ही रहे, तो उसके तक रहे ना। हाँ, जिसको चाहिए कि हमारी समस्या दिखे वो अलग की बात है, फिर वो चाहे वो करे अपना जो कर सकता है, हम उसके लिए, हमारा जो तरीका है श्री राम दरबार हम लगाते हैं, मर्यादा रूप में लगाते हैं, मंगल शनिवार दरबार लगता है, बस मंगल शनिवार के अलावा नहीं लगता। हनुमान जी आपको दर्शन देते हैं? श्री हनुमान जी, देखिए दर्शन तो सत्यता ये है कि एक बार दर्शन साक्षात रूप में हुआ, लेकिन हम सोचे ये हमारा वहम है या स्वप्न हो सकता है, लेकिन जब उठ के हम बैठे थे, हमें विश्वास नहीं हो रहा था, तो हम उठ के बैठे थे पहले, हनुमान जी आपको साक्षात रूप में दर्शन दिए? हाँ, दिखे थे कि संपूर्ण रूप था उनका, लेकिन ये एक होता है कि है कि नहीं है, तो वही था वहम, लेकिन जब पता हुआ, जैसा बताया कि संत महात्मा महापुरुष के पास गए, जब पता चला तब विश्वास हुआ प्रभु, तब से यही विश्वास चला आ रहा है, यही विश्वास बना रहे, जग का कल्याण होता रहे, बस यही चाहिए। महाराज जी, सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जी, बिल्कुल, और प्रभु श्री राम जी हैं, माता सीता हैं, हनुमान जी हैं, तो विशेष तौर पर हमने जितने भी इस तरीके के दरबार देखे हैं, चाहे बागेश्वर धाम हो, पंडोखर सरकार हो, या फिर आपका दरबार हो जी, हनुमान जी की ही कृपा क्यों कलयुग में होती है? देखिए उनको, देखिए सबसे बड़ी संकट मोचन हनुमान कहा गया है जी, ठीक, और श्री हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, कलयुग में वो सर्वोपरि है, देव तो सभी हैं, लेकिन सभी अपने अपने स्तर पे सही हैं, होती है क्यों नहीं होती, आप जैसा करें, भोले बाबा को भी दरबार लगता है, होती है कृपा, माता जी का भी लगता है, कई जगह आप देखिए शायद लगता होगा, हाँ, तो सभी की होती है, ऐसा नहीं कि हनुमान जी की होती है, वो अपनी अपनी कृपा के, अपनी अपनी प्रेरणा, अपनी अपनी पूजा साधना के ऊपर, आप किसकी करते हैं, क्या करते हैं, कैसा कर रहे हैं, भाव होना चाहिए, आपका भाव कैसा है, विश्वास श्रद्धा प्रेम है प्रभु का, निश्चल भाव है, तो आपको कृपा मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी, कृपा होगी प्रभु की, बिल्कुल होगी। हमने वही तरीका देखा आपके यहाँ भी, जैसे नारियल और चुन्नी बांध के देते हैं, तो ये नारियल और चुन्नी का क्या? नारियल चुन्नी जैसा बताया कि सम्मान के रूप में होता है, ये प्रभु के सम्मान के लिए रखा जाता है, कि आप आए हैं प्रभु के सम्मान के लिए लेकर आए हैं, तो उससे प्रभु के हाथ में, देखिए नारियल चुनरी रखने का और विधान क्या है इसका, कि नारियल चुनरी आपकी इच्छा है तो, कोई यहाँ ये नहीं है कि आप आइए जबरदस्ती, देखिए ना किसी को हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप आइए हमारे दरबार में दर्शन कीजिए, या दरबार में आइए या धाम में, आप अपनी इच्छा विश्वास से आ रहे हैं, आपका प्रभु के प्रति प्रेम है, आप दर्शन करने आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम मिलें दरबार में, हम रहें ही तभी आप आइए, ये नहीं, आप आइए प्रभु का दर्शन कीजिए, विनती कीजिए, हाथ में नारियल चुनरी रख के, जो आपकी मनोकामना हो, विनती हो, जो कष्ट हो, आप प्रभु से मांग लीजिए, विनती कर लीजिए, और जाकर जहाँ रखने का या बांधने का विधान हो वहाँ रख दीजिए, तो जो आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी दरबार में आने की, हमसे मिलने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपका कष्ट वहीं से कट जाएगा।
और महाराज जी अगर कोई चुनरी और नारियल नहीं लेके आता है तो उसकी विनती पूरी नहीं होगी? नहीं होगी, ऐसा नहीं है प्रेम। देखिए भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वो आपसे कुछ मांगते नहीं, वो केवल भाव मांगते हैं कि आपका भाव होना चाहिए प्रेम विश्वास का, कि उनके प्रति आपका रहे। वो ये तो कहते नहीं कि आप हमारे लिए धन दौलत लेके आइए या भोजन लेके या कुछ। वो तो देखिए आप भगवान को खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, आपका भाव है, खाते हैं, वो तो भाव के रूप, भाव के भूखे हैं। आप उनको भाव दे रहे हैं अपना कि प्रेम भाव है उनके प्रति आप, और कोई विशेष वो नहीं रहता कि प्रभु के लिए आप नारियल चुनरी ले। देखिए कहते हैं कि मित्र रिश्तेदार और भगवान के द्वार कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, और ये सत्य बात है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप सम्मान के रूप में कुछ भी ले जा सकते हैं। नारियल चुनरी का विधान है, आज से नहीं है, बहुत सालों से है परंपरा, ये बहुत पहले चली आ रही है कि नारियल चुनरी कई जगह देखिए आप बांधा जाता है, माता जी को चाहे प्रभु को, तो ये सम्मान रूप में बांधा जाता है उनके लिए कि सम्मान रहे उनका। इसलिए महाराज जी जैसा कि हमने पता चला कि 5 फरवरी से ही आपने 5 फरवरी 2023 जी से आपने मंधिर की भी स्थापना की है यहाँ पर दरबार धाम की। हमने नहीं कराई, प्रभु ने कराई है स्थापना। हम कौन होते हैं कराने वाले, हमारे पास कुछ नहीं था जब स्थापना होने वाली थी। जब ये प्रारंभ हुआ था तो आप चाहे यहाँ गांव में या कहीं किसी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या हैं क्या नहीं, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम इसको बनवा सकें या स्थापना कर सकें, क्योंकि ये प्रभु की कृपा थी, प्रभु का आदेश था कि धाम की स्थापना हो, और धन दौलत तो थी नहीं हमारे पास उस समय, तो प्रभु ने कहा हम हैं, हम देंगे, हम करेंगे, और उनकी कृपा से उनकी प्रेरणा से धाम की स्थापना हुई, दरबार भी प्रारंभ हुआ। 5 फरवरी को आपने मंदिर की स्थापना की? 3 फरवरी को। अच्छा 3 फरवरी को आपने मंदिर की स्थापना करी, 5 महीने हुए हैं अभी केवल, 5 महीने में लगभग 5 महीने में 1 महीने शायद दरबार बंद भी था। अच्छा 1 महीने बंद था, ठीक है, पितृपक्ष तो रहता है। अच्छा, अच्छा, पितृपक्ष में बंद रहता है, 15 दिन बंद हो गए, उसके बाद फिर बंद हो गया था, तो समझिए 1 महीने बंद, 1 महीने बंद जी। लगभग कितने भक्तों ने यहाँ पे आकर के उनका कष्ट दूर हुए? देखिए भक्त तो हम नहीं गिनते हैं, लेकिन एक प्रति दरबार 2500-3000 भक्त आ जाते हैं। अच्छा जी, इतने आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। अर्जी केवल दरबार में मंगल शनिवार केवल लगती है 100 की, 100 लोगों की अर्जी लग जाती है। अब आप देखिए एक दिन में आप कितनी अर्जी लगा लेंगे, अब एक भक्त को 5 मिनट तो देना ही है, तो 5-10 मिनट जैसे समस्या जो रहता वार्तालाप होती है उस हिसाब से। महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कोई भक्त आया, उसने अपनी अर्जी लगाई, उसने अपनी समस्या आपको आप समस्या तो आप पहले ही जान लेते नहीं, हैं जान तो लेते हैं, लेकिन जो आभास प्रेरणा बहुत ज़्यादा तो नहीं, हम पहले लिए जो हमें मिलता है कि प्रभु बता देते हैं कि ये है, तो इतना लिख दिया गया आपको सूक्ष्म रूप में दे दिया गया पर्चा, उसके बाद आपसे पूछा, उसके बाद आपसे समस्या, आप बताइए अपनी समस्या। अब ये चाहिए कि हम ही सब बता दें तो ये नहीं, आप भी बताइए ना, कर्म आप भी तो करें, तो ठीक है उसी तरह। फिर हमने अपनी समस्या आपको बताई जी, जी जी तो उसके बाद फिर वो जो समस्या हमने बताई, क्योंकि पहले तो आपको आभास हुआ, आपने पर्ची पर लिखा जी, जी। जो समस्या उनकी सूक्ष्म रूप में जैसे आपने कहा कि वो बता दी, उसके बाद उन्होंने जब अपनी समस्या बताई आपको जी, जी। तो फिर कैसे आभास होता है आपको, उसके बाद क्या कैसे पता चलता है, आप कहते हैं या आप प्रार्थना करते हैं, कैसे होता है? प्रार्थना नहीं, देखिए प्रभु तो विराजमान कर कण में है, सभी कहते हैं कर कण में प्रभु विराजमान, तो उसी हिसाब से प्रभु रहते हैं, हमेशा प्रभु रहते हैं। तो अब चाहे आप उनके दूत समझ लीजिए या श्री हनुमान जी को समझ लीजिए या तो उनके गण समझ लीजिए, जो समझना हो, या तो उनकी कृपा है, ये तो साक्षात एक कृपा है उनकी, ठीक। तो आते हैं लोग जब उनको पर्ची में बता दिया जाता है, ये भी एक ज़रूरत नहीं कि पर्ची ही बने, मुख से भी बता दिया जाता है कि ये समस्या आपको ये हो जाएगा, जैसे पर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ती तब, तो आपको पर्चा दिया गया, आप अपनी समस्या बताइए, उसके बाद जब बता दिया जाता है तब बताया जाता है कि ये सत्य है कि नहीं है, उसके बाद उसका विधान भी बताया जाता है कि आपके पास ये बाधाएं हैं या कुछ भी हैं, भूत प्रेत पिशाच जो रहते हैं, या तो अन्य समस्या रहती घर से रही है या बाहर है, कोई किसी से झगड़ा लड़ाई या कुछ भी है, तो कई तरह की, तो बीमारी है किसी को किसी प्रकार की, तो उसको विधान बता दिया जाता है कि ये ऐसे है, ये आप कर लीजिए आराम हो जाएगा, या तो कोई प्रसाद रूप में यहाँ से जो दे देते हैं कुछ, हम जो दे तो वो दे देते हैं, तो उसको आप ग्रहण कर लीजिए आराम हो जाता है। माला जी कई लोग कहते हैं कि ये कोई और कुछ मतलब भक्ति भाव कुछ नहीं है जी, सिर्फ एक छोटी सी कला होती है
जिसको माइंड रीडिंग कहते हैं, बहुत सारे लोग इसकी इसका दावा भी करते हैं और वो करके भी दिखाते हैं कि कैसे आप किसी के सामने जाते हैं तो उसके मन की बातें जान लेते हैं। जी देखिए, माइंड रीडर जो होते हैं वो सत्य ये है कि बाहर से पढ़ के आते हैं जी, ठीक। तो हम आप हमारी उम्र देख रहे हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं, आप बताइए। हम इतनी जल्दी इतना अध्ययन तो कर नहीं सकते कि हम माइंड रीडिंग करने, अगर करना भी होता तो हम ये वेशभूषा तो धारण ना करते। हमें देखे कोई शौक नहीं चढ़ा इसको करने का कि हम आके यहाँ दरबार लगाएं। ये प्रभु कृपा, प्रभु प्रेरणा थी, अब उनकी कृपा आदेश था। हम ये चाहते थे कि जग का हम कल्याण करें, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि किस प्रकार होगा ये। हम ये चाहते थे, हमारा सत्य ये सपना था कि हम पढ़ रहे थे, लिख रहे, अध्ययन कर रहे थे। हमें ये था कि हम नौकरी करेंगे अच्छी खासी, जो अच्छे मतलब अच्छे स्तर पर, उच्च स्तर पर नौकरी करेंगे। उसी जो हमारे पास धन दौलत आएगी, हम उसी से जग का कल्याण करेंगे। जो आएगा हमारे दौर पर कभी खाली हाथ नहीं जा, क्योंकि बाहर आते जाते थे देखते थे लाचार बुजुर्ग पड़े हैं या कोई गरीब है, बच्चे हैं छोटे छोटे, वस्त्र उनके पास नहीं, खाने को नहीं था, तो ये सब देखते थे। तो हमने सोचा था कि अपने साथ कई, क्योंकि कई लड़के घूम रहे जो पढ़ रहे हैं, लिखना है अच्छी बात है, जो हैं साथ में मिल के करेंगे ऐसा कार्य कि जग का कल्याण करेंगे। कई हमारे कई दोस्त ऐसे भी थे, मित्र थे, भाई बंधु थे, कि वो उनका भी यही विचार है कि हम जग का कल्याण करेंगे, जो जिनके पास खाने को नहीं, रहने को नहीं है, हम इतना सक्षम हो जाएँ कि जग का कल्याण कर सकें, उनको दे सकें। तो यही था, तो हमें ये नहीं पता था कि इस प्रकार होगा ये। तो उसके बाद प्रभु की पूजन अर्चन तो हम करते थे, यही विनती करते थे कि जग का कल्याण हो, सब सुखी रहें, किसी को कष्ट ना हो। देखिए, आप सारे जग को, अगर सृष्टि को अपने स्तर से देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते। ये चाहें कि आप भक्ति में लग गए, सब लग जाएं, ये नहीं हो सकता। देखिए, कोई नहीं मानता, कोई मानता है, कोई आस्तिक, कोई नास्तिक, तो कई प्रकार, आपको जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो दोनों को साथ ले कर चलना पड़ता है। ये नहीं आपको अच्छा इच्छा ही बुराई भी मिलती है। नहीं, मैं बताऊं आपको, कई सारा हमने भी देखा है। हमने हमने एक इंटरव्यू किया था, दो बच्चियां थी छोटी छोटी, 8 और 9 साल की जी, और उन बच्चियों को, वो बच्चियां बिना देखे आंखें उनकी बंद कर देते हैं हम जी, जी। और आंख बंद करके उनकी आंख पे पट्टी लगा देते हैं और वो बिना देखे पढ़ सकती हैं किताब को, देख सकती हैं और बता सकती हैं कि आपने कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं और आप क्या कुछ है, वो सब कुछ बता देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आयु कोई बाधा हो, नहीं नहीं कुछ, बहुत नहीं। कम उम्र में भी लोग कर लेते हैं। देखिए, ज्ञान कृपा प्रभु की कब प्राप्त हो जाए, 2 साल में बच्चा भक्ति करना सीख जाता है, राम राम जपता है, सीता राम जपता है। महाराज जी, एक चीज और बस मैं अंतिम आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि हल क्षमा के साथ मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जैसे आपके जो मित्र रहे होंगे पहले भी जी, बिल्कुल, अब वो नहीं कहते कि यार तू किस चीज में पड़ गया? नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं कहते, वो तो प्रसन्न है कि हम इस स्तर पे, वो जुड़े हैं हमारे साथ, अभी भी सहयोग कर रहे हैं, आते हैं, सहयोग करते हैं, बताते हैं कि बहुत अच्छी बात है, प्रभु कृपा हो गई है। वो भी ये सोचते हैं, देखिए हमारे मित्र थे, हमारे विद्यालय में नाम भी अभी पड़ा है, लिखा है भी नाम, अब है कि नहीं। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किया? शिक्षा हमारी ग्रेजुएट हो रहा था, ग्रेजुएशन हो रही थी, बंद हो, अब इधर हमारे मित्र भी साथ में कर रहे थे सभी, तो वो भी साथ में रहते थे। जो कार्य होता तो हम कार्य पहले भी करते थे, जो हम जिस प्रकार सक्षम रहते थे हम करते थे, रहते थे वहाँ, जुड़े रहते थे, लोगों की मदद भी करते थे, जिस प्रकार थे हम तो वो करते थे। अब साथ छूट गया, वो कहते हैं कि चले गए, तो कुछ तो लगता ही है कि अगर रिश्ता दुख होता है जब दोस्त, हाँ, दोस्त बिछड़ गए, रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं, मिलते हैं, दोस्ती बनी हुई है, लेकिन अब उस स्तर पे तो नहीं है कि, लेकिन वो यहाँ जो सहयोग कर सकते हैं वो करते हैं, कहते भी हैं कि कभी हमारी जरूरत पड़ जाए तो आप बताइएगा, हम आपके साथ खड़े। माता पिता का सहयोग कैसे मिला? माता पिता का सहयोग भी अच्छा है, ये है कि प्रभु कृपा होने के बाद ये हुआ कि माता पिता के अगर मोह में हम लग गए, पड़ गए, तो ये जग कल्याण हमसे नहीं हो पाएगी, हम जानते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ कई रिश्तेदार भी आते हैं, सभी आते हैं, अगर हम उनसे, वो हमें अगर रिश्ता दिखाने लगे तो हम रिश्ते के लिए ही हो जाएंगे, क्या हमारा होगा। तो इसके लिए, जग कल्याण के लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो संकल्प हमारा यही है कि जग कल्याण हो। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सभी हैं, जैसे सा परिवार है, पापा, बड़े पापा, चाचा, दादा, सभी हैं, बड़ी मम्मी, भाई बहन। भाई बहन कितने? भाई बहन सभी हैं, कि 4 भाई 3 बहन ऐसे हैं सर। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं? नहीं, सबसे बड़े, बड़ी हमारी दीदी, फिर उसके बाद हम दूसरे नंबर। हाँ, दूसरे नंबर। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी तक विवाह नहीं किया, आप विवाह करेंगे? हम तो जीवन भर नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, इसी तरह कल्याण करते रहेंगे, धर्म उच्च हो, धर्म के स्तर पे हम खड़े रहेंगे। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी हम धर्म के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा के अध्यात्म में हम आए धर्म के लिए, लेकिन अब
शायद हो सकता 5 साल में, आने वाले 5 साल में धर्म के लिए इतने हम सक्षम हो जाएंगे और इतने तटस्थ रूप से खड़े रहेंगे कि ये चाहेंगे कि राम राम जब सुनाई दे तो हर घर में राम राम सुनाई दे, जय श्री राम गूंजे पूरे भारत में। महाराज जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित गुरुशरण शर्मा, ये सारे लोग ब्राह्मण हैं, आप किस जाति से आते हैं? हम भी ब्राह्मण हैं। तो क्या विशेष ब्राह्मणों को विशेष कृपा प्राप्त होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कई जगह देखिए आप कई रहते हैं, देखिए कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सभी भाई हैं, तो भाई हैं सभी को कृपा प्राप्त हो सकती है, ऐसा तो नहीं कोई अलग है। ये तो जाति एक बना दी गई है कि कर्म के हिसाब से बांटी गई है जाति, ऐसा नहीं है। कर्म अच्छा कीजिए, आप कर्म करिए अच्छा बस। अब ठीक है महाराज जी, अब अंतिम आप हमारे जो दर्शक हैं वो जो देख रहे हैं आपको दूर से, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पाएंगे, जी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उनसे कहना चाहते हैं? उनको यही कहना चाहते हैं कि आपका मंगलमय हो, आपका कल्याण हो, प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहे, कोई कष्ट ना हो, आशीर्वाद है, कृपा होगी प्रभु की। आप अगर नहीं आ सकते तो घर पे ही अपने नारियल चुनरी ले लीजिए, हाथ में रख कर नारियल चुनरी और प्रसाद कोई रख सकते हैं उसके साथ, नारियल जो चाहे इलायची हो, चाहे लड्डू हो या कुछ भी हो, मिश्री दाना किशमिश कुछ भी प्रभु के भोग के लिए, आप हाथ में रख के नारियल चुनरी के साथ विनती कर लीजिए वहीं, उसके बाद उसको लाकर अपने गृह मंदिर में रख लीजिए। जब आप यहाँ आ सकते हैं आकर बांध दीजिए, प्रसाद अपना लेते जाइए, आप ग्रहण कर लीजिए। विशेष रूप से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और जो महाराज जी हैं, महाराज जी की ख्याति जो है वो तो बढ़ी रही है दिन ब दिन, जैसे हम देख करके आए हैं ऐसे और भी लोग देख करके आते हैं। हमने भी जब यहाँ आए हमने देखा कि लोग जो हैं वो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराज जी एक निवेदन और, जब हम यहाँ पर आए थे ढूंढते खोजते आपको तो समस्या हुई थी आपके एड्रेस की, तो कृपया आप एक बार एड्रेस जो है वो सही से बता दीजिए। कदमपुर बेंती कुंडा प्रतापगढ़ में पड़ता है, आप आना चाहते कुंडा आइए, मुख्य कुंडा है, कुंडा आके आप वहाँ किसी से एक बता देंगे, कह देंगे कि श्री हनुमत धाम जाना है, या श्री हनुमत धाम पूछ लिए, हनुमत धाम पूछिए या कदमपुर पूछ लीजिए, तो वहाँ लोग बता देंगे। इतने दिन से दरबार चल रहा है, धाम की प्रशंसा बढ़ रही, प्रभु कृपा से सभी जानते हैं, तो आप किसी से पूछ लेंगे तो आपको बता सकते हैं। जी सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम सीताराम सीताराम।